ये खिलाड़ी लेंगे पंत और बुमराह की जगह। पहले टेस्ट में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। आप भी देखना चाहते हैं टीम इंडिया की धाकर प्लेइंग 11, तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम 9 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैच की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भिड़ने वाली है। इस सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया के कई स्टार खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के ऊपर एक तागड़ी प्लेइंग 11 चुनने की जिम्मेदारी होगी। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। इससे पहले अभी तक इस वीडियो का लाइक नहीं किया है तो दिल से एक लाइक कर दीजिए। पहले टेस्ट में टीम इंडिया के लिए कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ सकते हैं। ये दोनों खिलाड़ी लंबे समय के बाद टेस्ट में भारत के लिए पारी की शुरुआत करते दिखेंगे। इंग्लैंड दौरे पर इन दोनों ने खिलाड़ियों ने कमाल की बल्लेबाजी की थी और ऐसी उम्मीद रोहित राहुल से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी की जा जाएगी। वही नंबर 3 पर हर बार की तरह टेस्ट टीम की सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं चेतेश्वर पुजारा आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा से ही पुजारा का प्रदर्शन शानदार रहता है। नंबर 4 पर टीम इंडिया के महान बल्लेबाज विराट कोहली का उतरना तय है। विराट ने T20 और वनडे फॉर्मेट में तो अपनी अच्छी फॉर्म हासिल कर ली, लेकिन टेस्ट में विराट को एक बार फिर खुद को साबित करना होगा। 2019 के बाद से इस फॉर्मेट में विराट के बल्ले से कोई शतक नहीं आया है। वही नंबर 5 पर कौन खेलेगा इस बात को लेकर अभी तक कुछ तक नहीं है। इस नंबर के लिए शुभम गिल और सूर्य कुमार यादव के बीच जंग रहेगी। सूर्या ने अब तक अपना टेस्ट डेब्यू नहीं किया है, वही गिल ने इस फॉर्मेट में भारत के लिए सिर्फ ओपनिंग की है। लेकिन इस सभी फॉर्मेट में गिल की फॉर्म को देखते हुए उनका पलड़ा भारी रहने वाला है। इसके अलावा ऋषभ पंत के इस सीरीज से बाहर रहने के बाद यह टेंशन भी बहुत हुई है कि टीम में विकेट कीपर के तौर पर किसे शामिल किया जाएगा। ईशान किशन और केएस भरत इस पद के लिए दावेदार होने वाले हैं। मैनेजमेंट अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में से किसी टीम में शामिल करता है यह देखना भी खास रहेगा। जडेजा की गैरमौजूदगी में अक्षर ने कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन इस बल्ले से ज्यादा कारगर साबित होने के चलते जडेजा का पक्ष थोड़ा सा मजबूत रहेगा। वहीं रविंद्र चंद्र अश्विन के साथ जडेजा की थोड़ी हमेशा से ही सुपरहिट रही है। इसके अलावा तेज गेंदबाज यूनिट में मोहम्मद सिराज की अगुवाई में जयदेव उरागढ़ और उमेश यादव को खेलते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि जसप्रीत बुमराह इस सीरीज के पहले 2 टेस्ट से बाहर है। पहले टेस्ट के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 इस तरह से है। रोहित शर्मा कैप्टन, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, शुभम गिल, केएस भरत विकेट कीपर, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और जयदेव उरागढ़। दोस्तों इस पर आपको क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही मैच से रिलेटेड अगर आप पल पल की खबर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।